वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई. राइट नाउ इट्स 4:28 AM. आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज मेरे को जाना है त्रिम्बक त्रिमकरेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और जो कि हमारे नासिक के आसपास है. नासिक से 30 कुछ किलोमीटर दूर है. एक दो व्लॉग पहले भी आपने देखा होगा, जब मैं हरिहर फोर्ट गया था तो मैंने नासिक गया था. नासिक से मैंने बस ली थी, बस जाके मैंने त्रिम्बक की ली थी. त्रिम्बक से मैंने ऑटो लिया था हरिहर फोर्ट का. तो आज मेरा बस जो प्रोसेस है वो यहाँ से ट्रेन लेना, नासिक से वहाँ से मेरे को बस लेना और वहाँ पर जाके त्रिम्बक जाके दर्शन करना, क्योंकि उस दिन दर्शन नहीं करे थे क्योंकि मेरे को वापस आना था और वहाँ पर लाइन होती है. तो आज वो पूरे कंट्री कंप्लीट करने हैं क्योंकि ज्योतिर्लिंग जाना और वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वो मंदिर भी बहुत अच्छा है. सो आज का प्लान अभी इतना ही है. मैं फटाफट से तैयार हो जाता हूँ और फिर मेरी ट्रेन है 5:42 पे दादर से. यहाँ से मेरे को निकलना है और अभी बाहर अंधेरा हो रहा है पूरा, और कुछ ही देर में रोशनी हो जाएगी और फिर हम निकल जाएंगे. रोशनी से पहले ही निकल जाऊँगा, बस अभी बस रेडी हो रहा हूँ नहा के और निकल रहे हैं. तो कैसा लग रहा हूँ भाई इसमें? ये नॉर्मल कुर्ता है, इतना लंबा वाला कुर्ता नहीं है, यहाँ तक ही साइज़ है इसका. सो मेरे को अभी यहाँ पे कोई मिरर वगैरह नहीं है और अंदर सब अभी सारे रूम सारे बंद है. तो अभी मैं इस कैमरे में ही अब खुद को देखूँगा. तो आई होप अगर अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा तो अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी आएंगी, अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी आएंगी और मज़ा आ जाएगा. एक और भी कुर्ता है मेरे पास, इसके अंदर जैसे ये रेड शेड्स हैं उसके अंदर येलो शेड्स हैं और ये प्रॉपर जूट में है. और ये मेरी बहन ने मेरे को भेजा था बैंगलोर से, दिव्या ने. यहाँ पे बस मेरे को थोड़ा सा ना ऐसे ना, जैसे कि मैं अभी लास्ट में भीवपुरी ट्रैक पे गया था तो लगता है कुछ ना काट गया है, तो कुछ रेड रेड कुछ एलर्जी टाइप सा हो गया है, मतलब कि कुछ रैशेस टाइप सा हो गया है. तो वहाँ पे थोड़ा सा चुभ रहा है पर बाकी सब कुछ बढ़िया है. देख लिया है मैंने खुद को इसके अंदर, बस एक दिक्कत हो रही है जो कि अब पॉसिबल नहीं है उसको ठीक करना, कि बाल और दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हो रही है. तो ये थोड़ी अभी कटिंग वगैरह अगर करा लेता, ट्रिमिंग वगैरह करा लेता तो ज़्यादा ठीक रहता, बट कोई बात नहीं, अपने को इतना कुछ वो नहीं है कि भाई मतलब दिखावे विखावे की कोई ज़िंदगी जीने का शौक नहीं है. तो नॉर्मल ये फिटिंग सही आई है, बस इतना बहुत है. बट अभी एक और चीज़ की, मैं शूज़ नहीं पहन के जा रहा, मैं ना सैंडल पहन के जा रहा हूँ क्योंकि ना रास्ते में ट्रैवल करना और पैदल चलना है तो सैंडल ज़्यादा सही रहते हैं, क्योंकि शूज़ में ना बहुत ज़्यादा होती है. ट्रेन के अंदर आराम से जाऊँगा, खुले पैर नंगे पैर, हाँ मज़ा. और एक और चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, अभी की तो मेरी ट्रेन की बुकिंग कंफर्म है बट वापसी की मेरी ट्रेन की बुकिंग अभी वेटिंग में है. और अगर वो कंफर्म नहीं हुई तो मेरे पास आज वापसी की कोई ट्रेन नहीं है. सो वो भी देखते हैं, जैसे भी होगा किसी से बात करनी पड़ेगी या कुछ तो होगा, वो रास्ते में पता चलेगा. वो भोलेनाथ जाना है, जब भोलेनाथ बुला रहे हैं तो वापस भी भेजेंगे, बस इतना मैं जानता हूँ. सोच रहा हूँ मैं कुछ रह तो नहीं गया ना, सारी चीज़ें रख ली ना, क्योंकि अक्सर यही होता है कि मैं भूल जाता हूँ फिर मैं वापस भागता हुआ आता हूँ. डन. लग तो सही रहा हूँ यार, अब दिख रहा है ना मेरे को मिरर. इतनी देर से मैं मिरर देखने की कोशिश कर रहा था. नीचे मैंने कार को डाल लिया. बाहर अभी मौसम अभी अच्छा है, बारिश होने के पूरे पूरे चांसेस है. 50% आज का वेदर फोरकास्ट बता रहा है. ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है. कोई ऑटो नहीं दिख रहा पर मेरे को आज, वैसे तो हमेशा रोज मेरे को यहाँ पे सुबह आते ऑटो मिल जाता है तो बुक करना पड़ेगा लगता है उबर से. और आ गया, पूछते हैं इनसे. तो अभी मैं स्टेशन तो पहुँच गया हूँ और यहाँ से अभी मेरी ट्रेन है. पर ऑटो वालों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑटो वालों का बहुत सीन है. अगर आप रेट पूछोगे तो 20-30 बढ़ा के बताएंगे. अब जैसे कि मैंने 20 रुपये दिए पर उसने 60 रुपये मांगे थे. सबसे बेस्ट है, मेरे को तो यहाँ का रेट पता है कि 10 रुपये वैसे तो, पर अब शेयरिंग में आ गए थे वैसे टोटल 40 लेते हैं, 4 सवारी. अभी 2 सवारी आगे तो 20-20 लिए. वैसे अगर आपको अगर ट्रैवल करना है तो आप मीटर से ट्रैवल करो तो ज़्यादा बेस्ट है. ऑटो मतलब मीटर सीधा कहो भैया मीटर ऑन कर दो, बस वो सही रहेगा. अभी मैं पीछे वाली ट्रेन से उतरा हूँ और सामने अब मेरी नेक्स्ट ट्रेन आएगी. चेक कर लेता हूँ कौन सा कोच है, कौन सी क्या चीज़ है, सारी चीज़ें. भूख लग रही है यार, सुबह से कुछ खाया नहीं है. भैया एक पानी की बोतल देना नॉर्मल और एक वड़ा पाव देना, कोई मसाला कोई चटनी वगैरह मत लगाना प्लेन. सो फाइनली आई रीच एट नासिक रोड अगेन. यहाँ से अब मेरे को बाहर से बस पकड़नी है 245 नंबर,
त्रिम्बक की। उस दिन के कंपैरेटिवली आज वेदर बहुत अच्छा है, थोड़ी बहुत धूप भी अभी निकल रही थी, थोड़ा ठंडा मौसम भी, बारिश के भी चांसेस हैं। ये जो आप सामने देख रहे हो यहाँ पे स्टेशन है, और जस्ट निकलते यहाँ पे ये बस खड़ी है, 245 नंबर है त्रिमकरेश्वर का। तो ये 70 रुपीज़ लेती है, तो ज़्यादा कुछ वो मत करना कि ऑटो वगैरह देखो बहुत ज़्यादा मांगेंगे। बस ने अभी यहाँ पे उतार तो दिया है, उस दिन मैं कहाँ पे उतरा था मेरे को याद नहीं आ रहा, थोड़ा देख के। उस दिन तो पता नहीं, चलो देखते हैं, पूछते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी वॉशरूम ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी वॉशरूम जाना है, और अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बादल हो रखे हैं ऊपर देखो, पर बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत अच्छी हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है। और यहाँ पे ये एक द्वार है त्रंबकेश्वर का, तो काफ़ी अच्छा सीन है। वो देखो कितना सुंदर लग रहा है, सारा ग्रीन, वाओ ब्यूटीफुल। मेरे को तो सारे पहाड़ यहाँ पे हरियर की तरह लग रहे हैं। एक और चीज़ भी है यहाँ पे साइड में देखो, पूरी नदी बह रही है, वाओ एपिक, इट्स जस्ट इनसेन। वैसे तो त्रंबकेश्वर यहाँ से 0.5 किलोमीटर है, पर एक बार ऑटो से पूछ लेते हैं, पैदल भी देखो मेरे पास अभी बैग वैग तो है ही, ऑटो वालों से रेट पूछ लेते हैं क्या रेट लेते हैं। तो एक तो देखो व्लॉग में भी मैं आपको बता पाऊंगा कि यहाँ पे क्या चार्जेस है ऑटो के, अगर आप ऑटो करना चाहते हो तो, और अगर मेरे को सही लगेगा तो मैं भी ऑटो कर लूँगा, नहीं तो पैदल चला जाऊँगा। यहाँ के अभी सीनैरियोस कुछ अच्छे हैं, अभी देखो अभी थोड़ी सी धूप हो गई है, अभी बारिश हो रही थी, ऊपर सारे काले बादल हैं, तो मौसम ऐसे बदलता रहता है हर कुछ देर के अंदर। स्पेशल आधा किलोमीटर का 100 रुपये, 100 रुपये मांग रहे हैं 0.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर का, बस पागल बना रहे हैं। मेरे जो पीछे खड़े हैं पुलिस वाले, मैंने इनसे पूछ लिया है कि यहाँ से जाने का क्या रेट है, क्या चार्जेस है, क्या सीन है, तो उन्होंने बताया कि ये जो गेट है सामने त्रंबकेश्वर का, यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है पैदल। यहाँ पे सब इतने ओल्ड एज लोग भी पैदल जा रहे हैं, तो हमारा तो बनता ही है क्यों इस चीज़ को ख़राब करना, जब पैदल जाने का रास्ता है तो पैदल जाए। मेरे पीछे आप देख सकते हो कितने ओल्ड हैं ये लोग, ये सब भी पैदल जा रहे हैं, और आगे भी ये देखो, तो पैदल ही चलेंगे यार, देखते हुए नज़ारे जो मज़ा है ना उस चीज़ को फील करने का वो अलग ही है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक ना अंजनेरी पर्वत है, जहाँ पे लॉर्ड हनुमान जी का बर्थ हुआ था, जो भी कहा जाता है। देखो दो जगह हैं जहाँ पे कहा जाता है कि बर्थ हुआ था, एक और है उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, पर यहाँ पे मेन अंजनेरी पर्वत है, वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे एक हनुमान जी का पैर का पूरा बहुत बड़ा ऐसे गड्ढा टाइप निशान है, जहाँ पे उन्होंने छलांग लगाई थी जब उन्होंने सूर्य को, मतलब कि खाने के लिए जब उन्होंने हवा में जब गए थे, ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना है, अभी गया नहीं। जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने रास्ते में बताया था मेरे को इधर ही कहीं पे है, पर ये त्रंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, और पूरे महाराष्ट्र में शायद 3 या 4 ज्योतिर्लिंग है जिसमें से ये एक है। और यहाँ इस रास्ते में आपको ऐसे बहुत सारे स्टोर्स मिल जाएंगे खाना वाना खाने के लिए, और होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, ऊपर से ये सारे रूम्स वगैरह हैं, और नीचे पूरा रेस्टोरेंट टाइप है, ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएगी, कुछ ऐसे भी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे शंख भी हैं, शंख लेना था मेरे को पापा के लिए। राइट हैंड का शंख है क्या? राइट हैंड छोटा चाहिए बड़ा? बजने वाला चाहिए? यहाँ से है मंदिर की एंट्री, श्री त्रिम्बकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट, यहाँ से अंदर जाना है। बाहर ये जो लोग जो फूल वाले हैं, ये आपको कह रहे होंगे चप्पल रख दो, बैग रख दो, ये सब चीज़ें ऐसे ही है, चप्पल आपको बाहर उतारनी है स्टैंड पे, और बैग आपको रखना है, बैग आप लेके जा सकते हो। मैंने अभी अभी पूछा यहाँ पे गार्ड से, मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू। तो अभी अंकल बता रहे हैं कि अंदर 3 से 4 घंटे की लाइन है, अभी आरती की वजह से रोक दिया है, और सुबह 8 बजे से ये लगे हुए हैं लाइन में, और अभी इनके दर्शन हुए हैं, और दोपहर के अभी 12 बज गए हैं भाई, अभी 3-4 घंटे मेरे यही जाएंगे, 3 से 4 बज सकते हैं, बाकी देखते हैं अंदर। मैंने अभी अपना कैमरा अंदर रख दिया है, देखो अंदर फ़ोन वोन बैग वैग अलाउड है, बट आई डोंट थिंक सो कि कैमरा वगैरह अलाउड होगा, इसलिए मैंने सब कुछ अभी अंदर डाल दिया। अब जो व्लॉग करूँगा या कुछ भी करूँगा, अगर पॉसिबल हुआ तो फ़ोन से करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ओ माय गॉड भाई, बहुत लंबी लंबी लाइन्स है। चलो चलो आंटी, आप चलो।
एक चीज बहुत सही है, लाइन में सारी ना ऐसे चेयर्स डली हुई है, मतलब कि पूरा ऐसे बेंच बना रखी है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी लाइन आपको वेट करना है तो आप यहाँ पे बैठ जाओ, अपना हर एक में इधर डली हुई है, ऐसे बैठते हुए चलते जाओ। अभी हम थे उधर वाली साइड, अब हम आ गए हैं इधर से चेक पोस्ट से इस साइड। अब इधर भी सेम प्रोसीजर है, वेटिंग एंड वेटिंग। इसको भी जाना दर्शन करने। सो फर्स्ट वी हैव क्रॉस्ड दिस, देन दिस, एंड दिस इज द थर्ड ब्लॉक। पता नहीं ऐसे कितने ब्लॉक हैं ये। अभी उसके बाद एक और ब्लॉक आ गया है, लास्ट ब्लॉक है आई थिंक सो। ये पीछे मंदिर दिखना भी स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे जाना है अभी अंदर, लास्ट श्राइन शायद। अब कुछ ऐसी लाइनें आ गई, फाइनली दर्शन हो गए हैं अच्छे से, पर वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते। और यहाँ से एग्जिट है, एंट्री उधर से, 4 बज चुके हैं, पूरे 3 से 4 घंटे लग गए हैं दर्शन होने में। आरती है त्र्यंबकेश्वर की। तो अभी यहाँ से निकल रहा हूँ मैं और बस पकड़नी है, क्योंकि 6 बजे की मेरी ट्रेन है, पता नहीं पहुँच पाऊँगा कि नहीं, आई होप के पहुँच जाऊँ। और हर हर महादेव, हर हर शंभू, चलो चलते हैं। इधर से होती है VIP एंट्री। अभी 4:30 मेरे को यहीं पे हो गए हैं और नासिक रोड जाना है, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर है। बस तो मेरे को पहुँचा नहीं पाएगी इतनी देर में, क्योंकि 1.5 घंटे से तो ज़्यादा ही लेती है बस, और मेरे पास प्रॉपर 1.5 घंटा भी बाहर भी निकलना है बाय वॉक, और उसके बाद नासिक रोड। तो मेरी ट्रेन तो आज लगता है मिस होएगी, 6:05 की मेरी ट्रेन है। लेट्स सी क्या होता है, बाहर जाके देखता हूँ। अब पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने, क्योंकि यहाँ पे 3-4 घंटे लग गए जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करे थे, मेरे को लगा था 1-2 घंटे में काम हो जाएगा। अभी मैं बस स्टैंड पे तो आ गया और यहाँ पे मैं बस का वेट कर रहा हूँ, और ट्रेन तो मेरे को लगता है निकल गई है, निकल जाएगी मतलब, क्योंकि अभी 1 घंटा और 10 मिनट बचा ट्रेन में, और यहाँ से 30 किलोमीटर है ट्रेन, और बस लेगी 1.5 से 2 घंटा। कैब करता हूँ और इनके साथ शेयरिंग में, तो फिर ये भी लेंगे 1 से 1.5 घंटा ये लेंगे। अगर पर्सनल कैब करता हूँ तो ये मेरे को पहुँचा देंगे, पर 1000 रुपये मांग रहे हैं, और 1000 रुपये के पीछे मैं 100 रुपये की ट्रेन की टिकट के लिए मैं 1000 रुपये तो दूंगा नहीं। तो कोई नहीं, देखते हैं, बस का ही वेट कर लेता हूँ, और कुछ तो ऑप्शन ही नहीं है अभी। बस आ गई हूँ, बाप तो आया हूँ बस फटाफट से, क्या पता ट्रेन मिल जाए, क्या पता लेट हो जाए, 10-15 मिनट या 1 घंटा तो मिल जाएगी। सो राइट नाउ इट्स 11:16। मेरी जो ट्रेन की बुकिंग थी वो तो मेरी मिस हो गई थी, तो मैंने ये जो पीछे जिसमें ट्रेन में आया हूँ, मेरी सीतापुर कोई ट्रेन है, इससे मैंने यहाँ पे TT से बात करी थी, बिल्कुल भागते हुए चलती हुई ट्रेन में मैं चढ़ा था, तो ये बहुत ज़्यादा इशू हो गया था वहाँ पे, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ वहाँ पे व्लॉग नहीं करा, बस फटाफट से मेरे को ट्रेन मिल गई और TT से बातचीत करके और मैं इसमें आ गया, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, नहीं तो मैं यहाँ पे अभी पहुँच ना पाता। अभी भी 11:15 हो गए हैं मुंबई पहुँचने में, क्योंकि इतनी ट्रेन आजकल इतनी लेट चल रही है, जितनी बार भी नासिक जा रहा हूँ ना रास्ते में इतनी ज़्यादा लेट होती है, दिमाग ख़राब हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, फटाफट से चलता हूँ, 12 बज जाएंगे, फिर आराम से वहाँ पे जाके घर पे जाके एक बार बात करेंगे बैठ के। तो अभी भाई 11:45 हो गया और ऑटो वाले ने ना इतना पागल बनाया ना, लिटरली इतना पागल बनाया, और उसने मेरा आधे से ज़्यादा घंटा खा लिया है कि शेयरिंग थोड़ा और बंदे देख लूँ, मेरी रात का लास्ट है। पर चलो ठीक है, सबका अपना अपना वो होता है, बट फाइनली मैं अभी पहुँच गया हूँ और अभी अंदर जा रहा हूँ, थका हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है, टॉयलेट आ रहा है।
सो राइट नाउ इट्स 11:50। सबसे पहले तो मैं नहाने जाऊंगा क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, और ये वाला थोड़ा जूट का कपड़ा था, शायद अभी ये नया था तो इसलिए चुभ भी रहा है कुछ। जब भी मैं ऐसे बाहर से आता हूँ ना, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल वगैरह करके और या अपनी बाइक पर भी ट्रैवल करता हूँ, सबसे पहले मेरा काम होता है कि नहाना, क्योंकि नहाने में क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है, पूरे दिन स्वेटिंग होती है तो बहुत इरीटेशन हो रही होती है, और वो सारी चीज़ें ना साफ हो जाता है। तो आराम से खाना वाना खाऊंगा। आज तो सुबह से मैंने खाना नहीं खाया, सुबह से वड़ा पाव और केक बिस्किट, ट्रेन में भी यही खाया था, कुछ नहीं मिला था तो केक मिल गया था, ब्रिटानिया केक्स वगैरह आते हैं ना वो। तो अभी दाल है, आलू शिमला मिर्च की सब्जी है, राइस है और चपाती बाहर है। पेट भर के खाऊंगा आराम से, बैठ के तसल्ली से। आज मैंने सोचा तो बहुत कुछ था वहाँ पे कि त्र्यंबकेश्वर में बहुत कुछ करना है, पर सारी चीज़ें पॉसिबल तभी हो पाती हैं जब ना नेचर और सारी चीज़ें ना साथ दें। जैसे कि अब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मेरे साथ रील्स शॉर्ट्स भी जल्दी जल्दी में मैंने फटाफट निपटाया, कि फ़ोन का भी खतरा था कि फ़ोन में ज़्यादा पानी वानी ना चला जाए क्योंकि मैं बारिश में भी शूट कर रहा था, और इतनी लंबी लाइन थी, फुल एग्जॉस्टिव थी, 4 घंटे की लाइन थी। मैं वीकेंड्स पर नहीं गया था, वीकडेज में गया था, वीकेंड्स पर तो 8-9 घंटे की लाइन है वहाँ पर और लोग कह भी रहे थे। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी सारा टाइम उसी में निकल गया। और तो क्या, ट्रेन वगैरह मिस हो गई थी मेरी, मेरी ट्रेन थी तपोवन और जो कि मेरे को अराउंड 5 मिनट में लेट हो गया था बस से। और दूसरी चीज़ क्या हुआ कि मेरे को, मैं स्टेशन में पहुँचा था, वहाँ का सीन मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। वहाँ पे मेरे को टीटी मिला, वहाँ जो टिकट चेक करते हैं, तो वो इस ट्रेन पे, ये वाली जो ट्रेन थी सीतापुर ऐसे कुछ थी, कोई एक्सप्रेस थी जो कि यूपी या बिहार से आ रखी थी और आके मुंबई आ रही थी कुर्ला। तो मैंने देखी कि वाली ट्रेन में भागता हुआ गया, इतने में ट्रेन बस चली पड़ी थी, और इतने में मैंने उनसे पूछा कि कुछ हो सकता है क्या इसके अंदर कि मेरी ट्रेन मिस हो गई है। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, अपनी टिकट दिखा दो, जो भी आपकी पहले की बुकिंग है। तो वो मैंने उनको दिखाई, बट उन्होंने कहा कि आप जाके स्लीपर में जाके बैठ जाओ। तो मैं वहाँ पर जाके बैठ गया और फाइनली मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और रास्ते में इतनी बेकार, मतलब कि आजकल, मैं पिछली बार भी नासिक गया था तब भी 2-2 घंटे लेट हो रही थी, बीच में खड़ी हो जाती थी 1-1 घंटा। आज भी यही सीन हुआ, ट्रेन को पहुँचना था अराउंड 10 बजे और मैं घर आ रहा हूँ देख लो 12 बजे, 10 बजे से भी पहले पहुँचना था ट्रेन का टाइम जो था, यहाँ पे डिपार्चर बोलते हैं, अराइवल बोलते हैं, इतना दिमाग भी नहीं चल रहा। तो बस इतना ही है जो भी आज का था, बाकी ट्रेन में जो टाइम बीता, इतनी गंदी नींद आ रही थी मेरे को। आज के लिए इसको इतने रखते हैं, अगर आपने ये वाला व्लॉग यहाँ तक देख लिया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, व्लॉग का कोई पार्ट अच्छा लगा हो बुरा लगा हो तो नीचे कमेंट कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे। हर हर महादेव।